everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I'm going to share a very useful video for you. So today I'm going to take 11th class and from your prose section Hornbill I'm going to take chapter 3, Discovering Tut, the saga continues. In this video I'm going to explain you explanation of the chapter, summary of the chapter. Discovering Tut, the saga continues. So before we are going to start this chapter, let us know about the chapter. Okay, what about the chapter? So King Tut, the last heir of a powerful family that ruled over Egypt for centuries. So Raja Tut जो था actually वो काफी अपना जो है एक शक्तिशाली वंशज का last जो है उत्तराधिकारी था, जिसने मिश्र पर जो है कई सेंचुरी तक जो है राज किया. एंड डाइड इन हिज टीनेज, और वो काफ़ी जल्दी जो है अपनी जो है किशोरावस्था में ही मर गया. उसे जो है सोने की चीज़ों के साथ जो है दफना दिया गया. उसके मकबरे की खोज जो है, जो उसकी टोम जो थी, वो जो है डिस्कवर हुई थी 1922 में बाई ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड हार्वर्ड कार्टर. द वर्ल्ड वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड कॉजेज ऑफ हिज डेथ. तो लोग जो है, पूरी दुनिया जो है ये जानना चाहती थी उसकी लाइफ के बारे में और वो किस तरीके से उसकी डेथ हुई उसके बारे में. आफ्टर 80 ईयर्स टुट वॉज अगेन टेकन आउट. उसके बाद 80 ईयर्स के बाद उसको फिर से जो है निकाला गया. एंड हिज मम्मी वॉज स्कैन. दिस सिटी स्कैन ऑफर्स न्यू क्ल्यूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. सो उसका जो है सिटी स्कैन किया गया और उसकी जो सिटी स्कैन से कई क्ल्यूज जो है सामने आए उसकी लाइफ के बारे में, उसकी डेथ के बारे में. द प्रिवेलिंग मिस्ट्रीज अबाउट हिज डेथ वर रिवील्ड. और चारों तरफ जो है काफ़ी फेमस हो गया उसकी जो मिस्ट्री जो थी, रहस्य जो था, राज जो था, वो काफ़ी फेमस हो गए और बाहर आना शुरू हो गए. द यूज़ ऑफ मॉडर्न साइंस इन आर्कियोलॉजी हैज़ मेड दिस पॉसिबल. टुट्स मम्मी वॉज फर्स्ट मम्मी टू बी सीटी स्कैन. सो जो पुरातत्व विभाग होता है, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विभाग जो होता है विज्ञान में, जो है मॉडर्न साइंस ने जो है इसे पॉसिबल कर दिया. और टुट की जो बॉडी है, जो पहली जो है बॉडी थी, मम्मी थी, जिसका सीटी स्कैन किया गया था. सो अब हम इस चीज़ जो है डिटेल में देखते हैं एआर विलियम ने जो है क्या जो है बताया है हमें इसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ही वॉज जस्ट ए टीनेज व्हेन ही डाइड. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम. विद मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. So जब वो जब death हुई, जब वो मरा, जब वो डेथ हुई उसकी, तो वो बिल्कुल जो है टीनेजर मत था. टीनेजर मतलब जो बिल्कुल किशोरावस्था होता है, ऑलमोस्ट 13-16 तक का जो बच्चा होता है वो टीनेजर की कैटेगरी में ही आता है. सो वो जब उसकी डेथ हुई तो वो बिल्कुल जो है टीनेजर था और वो अपनी जो है पावरफुल फैमिली का लास्ट उत्तराधिकारी था. हेयर मतलब उत्तराधिकारी था और जिसने जो है रिजिप पर जो है राज किया था इसके पूरे एम्पायर ने कई सदियों तक, सेंचुरी मतलब सदियों तक. और वो जो है रेस्ट में जो है कर दिया गया. लेड मतलब कि होता है कि आपको जो है कब्र में सुला दिया गया, ठीक है, वो भी लेडन विद गोल्ड. लेडन विद गोल्ड मतलब लादना. लेडन मतलब होता है लादना, ऐसा मतलब है यहाँ पर, वो भी गोल्ड के साथ में. और फिर भुला दिया गया. और जब डिस्कवरी हुई इसकी टॉम की, इसकी कब्र की जब हुई, तो वो जो है 1922 में जो है इसकी टॉम को जो है खोजा गया, कब्र को.
और उसको जो है पूरी दुनिया जो मॉडर्न वर्ल्ड है उन्होंने जो है इसका डाटा को जो है तैयार किया। स्पेकुलेटेड मतलब अनुमान लगाना, तो इसको जो है अनुमान लगाया कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था और इसका जो है मर्डर जो हुआ था वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, माना गया कि उसकी जो है डेथ मतलब जो डेथ हुई थी वो नॉर्मल नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। अब उसको जो है टॉम जो था उसको जब उसको सुला दिया गया था रेस्ट के अंदर, लोग उसे जो है बिल्कुल फाइनली इवेंचुअली मतलब फाइनली जो है उसको भुला दिया गया था। उसके बाद जब उसे 80 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 80 इयर्स हो चुके थे उसको मरे हुए, जब लोग भूल चुके थे उसे बिल्कुल, ठीक है, सुला दिया गया और लास्ट में उसे भुला दिया गया। जब खोज हुई तो मॉडर्न जो वर्ल्ड था उससे जो है इस बात का अनुमान लगा रहा था कि इसके साथ क्या हुआ और ज़्यादातर ये माना जा रहा था कि उसकी जो है डेथ हुई है। और लगभग 80 इयर्स में पहली बार उसने अपनी जो है क्या किया, कब्र को छोड़कर एक सीटी स्कैन जो है करने के लिए उसको किया गया, अंडरगोन मतलब सीटी स्कैन के थ्रू होकर निकलना। सो यहाँ पर जो है उसको निकाला गया सीटी स्कैन के अंदर, ठीक है, अंडरगो मतलब गुजरना जिसे कहते हैं, तो वो सीटी स्कैन उसका करा गया। ऑलमोस्ट 80 इयर्स के बाद उसने अपने कब्र को छोड़ा और टूट को जो है सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। जब उसका सीटी स्कैन हुआ तो उसने जो है कई सारे क्ल्यू बताए लाइफ और डेथ के बारे में, और ये सारा जो है शॉर्ट में अगर बात की जाए पूरा का पूरा प्रिसाइज मतलब होता है सटीक जो है डाटा, एकदम एग्जैक्ट डाटा जो है दिया गया फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू पर। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो अगर कहा जाए लॉफुल रीअरेंजमेंट, आप जो है कानूनन तौर पर जो है उसे पूरा जो है अच्छे से करते हैं, और वो जो है बिल्कुल एक बॉयश फेरो जो है बनकर बाहर निकला जिसे कह सकते हैं। सही जानकारी जो भी आंकड़ा जो है दिया है, बॉयश फेरो मतलब लड़का जो होता है बहुत कम उम्र में जो छोटा सा होता है, और मिश्र के लड़के जैसे फेरो या शासक के सटीक जिसे बात कह सकते हैं बॉयश फेरो। फेरो जो होता है एक्चुअली वो बहुत बड़ा जो है एक टाइटल दिया जाता है, एंशिएंट इजिप्ट के जितने भी किंग्स होते थे उनको पहले फेरो ही बोला जाता था, सो इसीलिए फेरो उसे ही कहते हैं। An angry wind stirred up ghostly. Thus devils, as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt, cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied cloud had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy, Gilded, had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So, अब जो है पूरा जो है तेज हवाओं ने जो है पूरी एंग्री विंड मतलब तेज हवाओं ने जो है एकदम पूरा का पूरा जो है बगुले जैसा जो है पैदा कर दिया। जब वेली से जो है किंग टूट को बाहर निकाला गया उसके रेस्टिंग प्लेस से, जो कहा गया एग्रीमेंट मतलब बहुत तेजी से जो है हवाएं चलती है उसे कहते हैं स्टीट अप मतलब घुमा दिया गया पूरा, जो डस्ट जो थी वो पूरी घुमावदार जो है बादलों के साथ क्या हो गई, घूमने लग गई, बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया। गोस्टली मतलब यहाँ पर जो है भूत जैसा डस्ट हो गया सवार, डेविल मतलब देवते जैसा जो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फिलहाल डेविल से मतलब है विल विंड से, जिसे हम कहते हैं बगुला, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा रेत का बगुला जो है बन चुका है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है डस्ट डेविल्स का मतलब बगुले से है, जो बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ घुमावदार जो होता है उसे कहा जाता है। इसके बाद जो है कहा गया है एंसेंट मतलब पुराना होता है, पता ही है हमें, और सीमेंट जो होता है ग्रेवयार्ड जिसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह जिसे कहते हैं उसे कहते हैं। इसके अलावा किंग वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स जो है वो बहुत बड़ी जो है एक नेम ऑफ प्लेस है जो मिश्र के अंदर है। डार्क वैली क्लाउड का मतलब होता है ऐसे बादल जो बिल्कुल गहरे रंग के होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं उसे कहते हैं डार्क वैलीड क्लाउड। स्कडेड एक्रोस का मतलब होता है
एक ओर से दूसरी ओर से तेजी की तरफ बढ़ना, जैसे जब हवाएं एक से दूसरी तरफ बढ़ती हैं उसे कहते हैं। तो आसमान में बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से जो है बादल बन रहे थे बहुत डार्क इसके साथ। और वेलिंग जो है, वेल मतलब होता है ढकना, एक्चुअली जब हम कहते हैं ना घूंघट वगैरह, तो यहाँ वेलिंग का मतलब ढकने से है। बहुत ज़्यादा कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे मतलब ताबूत जो है, ताबूत जैसा सलेटी रंग, ठीक है। पूरे जो स्टार्स है, पूरा आसमान जो है एकदम ग्रे हो गया, इसने ऐसा कहा है। और गिल्डेड मतलब सरकाया गया जिसे कहते हैं। लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब बहुत वक्त से जो है तेजी से जो है चला आ रहा है, जिसे कहता है मिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा रहस्य में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो तेज़ हवाओं ने जो है भूत जैसे बगुले को जो है पैदा कर दिए। जब वैली ऑफ द किंग जो थी उसमें जो है मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान में जो है टाटा कुक की कब्र से निकाला गया, जब टुट को कब्र से निकाला गया तो काले रंग के बादल पूरे रेगिस्तान में जो है, पूरे डिजर्ट एरिया के अंदर जो है, पूरे काले बादल जो है बिल्कुल डिजर्ट स्काई के अंदर पूरे दिन छाए रहे। और अब जो है पूरे जो है ये बादल तारों को जो है ताबूत जैसे सलेटी रंग से जो है क्या कर रहे थे, ढक रहे थे। इसके अलावा ये जो है जनवरी 5, 2005 की शाम को 6 बजे थे जब वर्ल्ड के सबसे फेमस जो है कहा गया है, पूरे वर्ल्ड फेमस जो मम्मी जो था उसे सिरकाया गया था। गिल्डेड मतलब सिरकाना, तो उसके सिर को जो है पहली बार सीटी स्कैन के लिए मतलब सिरकाया गया था। और जो है जिसे यहाँ उस वक्त जो है लमसम बहुत जो है जिसे लोग जानते ही नहीं थे, उस छोटे से जो यंग रूलर था जो मर चुका था 3003 ईयर्स एगो, जिसकी मौत हुई थी, उसे जो है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है लाया गया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड लॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. So पूरे ही afternoon, पूरे दोपहर जो है पूरा world के जितने भी लोग जो थे, visitors जो थे, tourist मतलब जितने भी पर्यटक थे, उनकी जो है normal कतार जो है सक्री जो है बिल्कुल descended मतलब उनकी जो है क्या किया गया, usual descended मतलब होता है कि उतरना, ठीक है। सडनली मतलब अचानक जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा जैसे कोई एलियन वगैरह आता है तो हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि अरे देखने के लिए जाते हैं, वो भी बिना बुलावे के। सो अचानक जो भीड़ भाड़ लग जाती है उसी को जो है यहाँ पर बोला गया है डिसेंडेड मतलब स्लोप डाउन जो कहते हैं, सडनली विजिट करना, उतरना। इसके बाद जो है क्रैम्प मतलब जो होता है संकरे, यहाँ उतरना छोटे संकरे रास्ते से जो उन्हें बनाया गया है रोक कर चट्टान में कटी हुई, मतलब जो छोटा सा उसकी जो टॉम थी उसको काट कर जो है संकरे रास्ते में बनाया गया ऐसा कहा है। और इसके अलावा जो है गेज मतलब सभी लोग उसको घूर घूर कर जो है क्या कर रहे थे, देख रहे थे और उसे जो है रेस्पेक्ट पे कर रहे थे, मतलब श्रद्धांजलि जो है दे रहे थे। गेज मतलब देखना, म्यूरल्स का मतलब होता है लार्ज पेंटिंग ऑन द वॉल्स, भीटी चित्र जिसे कहते हैं। सो पूरी ही दोपहर को जो है पूरे दोपहर पूरे वर्ल्ड के जितने भी विजिटर्स वगैरह जो थे जो वहाँ पर जो है देखने के लिए आए थे उनकी नॉर्मल जो है लाइंस वहाँ पर लगी हुई थी, और जो है वहाँ पर जो है चट्टान काट कर जो है लाइन बनाई गई थी। जैसा आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा जो माउंटेन एरिया वगैरह होता है तो उसको जो है अगर आपने देखा होगा कि उसको जो है काट कर रास्ता जो बनाया जाता है चट्टानी एरिया के अंदर, तो उन्होंने जो है 26 फीट की जो है कहा गया है कि 26 फीट की जो गहरी उनकी कब्र में जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमर पड़े वहाँ पर, पे देयर रेस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो रेस्पेक्ट देते हैं श्रद्धांजलि देते हैं, और वो जो है वहाँ पर उसे घूर रहे थे जो कुछ भी वहाँ पर जो चित्र बने हुए थे म्यूरस मतलब भित्ति चित्र जो बने हुए थे उसको,
और जो ब्यूरल चैम्बर जो था उसका, वो सभी लोग जो है उसके फेस को जो है बहुत ज़्यादा जो है देख रहे थे। और उसके जो है टूट के जो है हीरों से जड़े हुए, जो सोने से जड़े हुए, जो उसका फेस जो था पूरा जो है, सबसे ज़्यादा मम्मी का जो शेप, जो आउटर कॉफिन जो लीड था, ढक्कन जो था कॉफिन का, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था काफ़ी फेमस। तो कई जो विजिटर्स जो थे वो कई जो है साइलेंटली उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जो है उसे जो है डेथ के बारे में कि आखिर वो जो है किस हिसाब से मरा, जो है लास्ट टाइम में मतलब लास्ट वर्षों में जो है टूट की जो है बेवजह जो कहा जाए अचानक जब डेथ हो जाती है उसे कहा जाता है, तो उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो कई लोग तो डर रहे थे, कई लोग डर के मारे जो है कांप रहे थे, कई लोग ये सोच रहे थे शायद जो है फेरो का कर्ज था, कई ऐसा सोच रहे हैं उसके साथ जो है मिसफॉर्च्यून हुआ था शायद इसीलिए, और उसको भला कौन डिस्टर्ब करेगा, क्या वाकई में ही जो है वो दुर्भाग्य का शिकार होंगे या हकीकत में ऐसा सच तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी शायद मम्मी वाली, सभी ने शायद देखी होगी जो हॉलीवुड मूवी हुई है मम्मी और फिर मम्मी रिटर्न्स। तो ये चैप्टर जो है इसी बेस पे ही बना हुआ है, मतलब जो फिल्म अगर कहा जाए वो उसी जो है मैटर पे बनी हुई है कि मम्मी होती है, मम्मी का फिर जो है कष्ट दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो ओवरऑल इसमें कुछ ऐड है, तो वाकई में इसमें कितनी रियलिटी है। सो आपने अगर वो पिक्चर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपको पूरा चैप्टर जो है ओवरऑल समझ में आ जाएगा क्योंकि वो इसी जो है बेस पे बनी हुई है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक कार्टर, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tutankhamun after years of futile searching its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their internal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was almost buried, also buried with everyday things he would want in afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarment, cases of food and wine. सो मम्मी जो काफ़ी जो है बहुत बुरी कंडीशन के अंदर थी जब कार्टर ने उन्हें 1920s में खोज निकाला था, ये कहा है जाही हवास ने, जो सेक्रेटरी थे जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के, जिन्होंने जब उसे बॉडी को जो है झुककर लीन और मतलब झुककर जो है उस बॉडी को जो है फर्स्ट लुक देखा, तो कार्टर ने जो इसके बारे में कहा था, हावर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टूट के टॉम को जो है डिस्कवर किया था, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद जो तत्व होता है उसके सेक्रेटरी थे ये। सो 1922 में जब उन्होंने हावर्ड कार्टर ने जो है डिस्कवर की थी टॉम को, तो उन्होंने कहा है कि एक साल मतलब उनका जो फ्यूटाइल मतलब जो फर्जी या टाइम पास के लिए जो हम सोचते हैं ना कभी कभार कुछ सर्च कर लिया जाए, तो जो है फालतू की व्यर्थ की जो खोजबीन जो थी, ठीक है, जब उन्होंने पूरा एक साल जो है फालतू की सर्चिंग के बाद जो है 1922 में जो है टूट के मकबरे को खोजा, तो इसके अंदर जो है इट कंटेंस हैजिटली तो रेंशैक्ड मतलब बहुत जल्दबाजी में या उलट पलट जिसे कहते हैं, तो जितनी भी सारी चीज़ें जो थी, रेंशैक्ड का मतलब होता है लूटा हुआ है जिसे कहा जाए, तो बहुत सारा जो है जब हम सर्च करते हैं या बहुत सारा जो माल मिलता है हम लोगों को, तो यहाँ पर उससे मतलब है, वैसे मेनली मीनिंग इसका लूटा हुआ होता है। सो जितनी भी मतलब स्पेशल चीज़ें जो थी वो सारी जितनी भी उन्होंने बरसों तक खोज करने के बाद इसके अंदर की सारी चीज़ें को जल्दबाजी में जो है पुराने वक्त में जो है क्या कर दिया गया था, उलट पुलट कर जो है चीज़ें कर दी गई थी। इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात यह है, सरप्राइजिंगली जो बात है वो ये है
ये जो है सारी की सारी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली सारी की सारी चीज़ें थी, क्योंकि काफ़ी एंटिक थी, बहुत सारी जो पुरानी थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सबसे ज़्यादा जो है रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था अभी तक जितना भी मिला था, क्योंकि फेरो जो है वो खुद ही अपने आप का हिस्सा जो था वो उनकी जो है फेरो की सबसे बड़ी जो पारंपरिक जिसे कहा जाता है कथा वो उसका हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद जो है सोने की जितनी भी जो आर्टिफैक्ट्स जो थे कलात्मक चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो कलात्मक चीज़ें होती, मतलब बहुत ज़्यादा कारीगरी का जो गोल्ड जो था बहुत ज़्यादा जो है स्टनिंग था, बहुत ही शानदार गोल्ड था, और जो इसकी इंटरनल ब्रिलियंस जो थी, इंटरनल ब्रिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्राइट कलर होती है वो, सो ये सारी चीज़ें जो है गारंटी देती थी उसकी रिकलेक्शन की, मतलब पुनर्निर्माण की। सो जो कुछ भी उसके साथ जो मिला था वो काफ़ी यूनिक था, काफ़ी जो है कारीगरी का सामान था, और इन सभी चीज़ों ने जो है उस टाइम की डिस्कवरी को जो है एक सेंसेशन में डाल दिया था, जो सभी आज तक की जो कहा गया है बहुत ज़्यादा जो है उस खोज को जो है उस वक्त जो है सनसनी पैदा कर दी, क्योंकि जिस टाइप से कारीगरी के गोल्ड वगैरह मिला, सामान वगैरह मिला, तो वो अपने आप में एक सेंसेशन था, क्योंकि ये इस चीज़ की गारंटी देता था कि जो कुछ भी उन्होंने डिस्कवरी किया है उस वक्त के तौर पर, सो ये सारी चीज़ें जो है सनसनी पैदा करने वाली थी। और आज भी जो है अगर हम आज भी उस बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ये है अटेंशन देने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा आज भी जो है सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव करती है। लेकिन टूट को जो है, अब टूट के जो है जब दफना दिया गया, बिराइड कर दिया गया, दफना दिया गया, तो उसके बाद जो डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती है, जो उसके बाद में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ दफना दी गई, जिसमें बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लाइन एंड अंडर गारमेंट, केशेज ऑफ फूड एंड वाइन, सो ये सारी चीज़ें जो है, बोर्ड गेम्स होता है, पेपर गेम होता है, और ब्रोंज मतलब कांसा जिसे कहते हैं वो रेजर, लाइन एंड अंडर गारमेंट जो लाइन जो काफ़ी अच्छा जो है हाई क्वालिटी का एक कॉटन का क्लोथ होता है वो डले हुए थे, और फूड और वाइन मतलब मरने के बाद उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, सो डेली लाइफ से रूटीन की ये सारी चीज़ें जो है उसकी कॉफिन के अंदर मिली। After months of carefully recording and Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild calary, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. Then, the sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. Uske baad, kahi mahino ke baad, जब उसकी जो है कई महीनों लगे, जो कुछ भी उसका ट्रेजर निकला था, फ्यूनरली ट्रेजर मतलब जो जिसमें दफनाया गया था उसको कॉफिन के अंदर, उस फ्यूनरली ट्रेजर्स के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया फेरो के, मतलब इतना सारा जो है ट्रेजर खजाना निकला था उसकी कॉफिन से, उसकी कब्र से, टॉम से, कि उसको जो है गिनने में, रिकॉर्ड करने में बहुत सारे जो है महीने लग गए। सो कई महीनों के बाद जब उसका ट्रेजर का पूरा काउंटिंग हो गया, तो कार्टर ने जो है उसके तीन जो और कॉफिन मिले थे उससे जुड़े जो है ताबूतों की छानबीन जो है, कॉफिन मतलब ताबूत जो उसके साथ और तीन कॉफिन मिले थे उसकी छानबीन शुरू कर दी। जब उसने पहले ताबूत को खोला तो उसने उसके अंदर पाया कि उसमें जो है मीसा और जैतून जो है उसकी पत्तियाँ मिली, विलो ऑफ ऑयल मतलब जैतून की जो पत्तियाँ होती है वो मिली, फिर जंगली अजमोद मिला, कैलरी जिसे कहते हैं, उसके बाद कमल की जो है पंखुड़ियाँ मिली, लोटस पीटल एंड कॉर्नफ्लोर जिसे बैंगनी रंग के फूलों से जो है कफन को सजाया गया था, ठीक है, फेडेड किया गया था, ये इस बात का सबूत था, एविडेंस मतलब सबूत होना कि वो जो है मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई आपको, गार्लैंड है, लोटस पीटल है, कॉर्नफ्लोर है, कैलरी है, ये सारी चीज़ें मार्च और अप्रैल के सीज़न में ही मिलती है, तो शायद ऐसा माना गया कि हो सकता है कि उसे मार्च और अप्रैल में दफनाया गया हो, और इससे ये लगता है कि भी मार्च अप्रैल में की गई थी। अब जब कार्टर जब मम्मी तक पहुंचा,
ठीक है। उसके बाद जब फाइनली वो जो मम्मी तक पहुंचा तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया। क्यों आ गया? उसके सामने ये परेशानी आई कि जब उसका अंतिम संस्कार में जो है जो राल यूज़ किया गया था, ठीक है, हार्डन सीमेंटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें दफनाने के लिए जो बेस यूज़ किया जाता है, तो उस राल जो है वो सख्त हो गया था और उसे टूट के जो है बॉडी को जो है ताबूत के ठोस जो था वो सोने के तल से जो है क्या कर दिया, पूरा जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था वो उसे टच हो गया, मतलब वो चिपक गया था उसके साथ में। और अब जो है किसी भी तरीके से उसे जो है कितना भी जोर लगाने पर उसे जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि अगर आप देखो जैसे जो सीमेंट वगैरह, तो मतलब सीमेंटिंग का मतलब चिपक जाने से है और रेजिंग्स का मतलब यहाँ गोंद से है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो रिचुअल रेजिंग जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और वो सीमेंटिंग हो गया था, मतलब चिपक गया था टूट के जो बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो सॉलिड जो गोल्ड कॉफिन जो था, ताबूत जो था गोल्ड से भरा हुआ चिपका हुआ जो पूरा था वो उससे चिपक गया था। सो इसीलिए उनके पास जो है कोई भी जो है नहीं था कि वो किस तरीके से उसे वहाँ से हटा सकते थे। सो इसीलिए लेजिमिटेट, लेजिमिटेट का मतलब यहाँ है उचित, जिसे कहा जाए मतलब कितना भी फोर्स लगा लो, हाईएस्ट कितना भी फोर्स लगा लो हम उसे नहीं हटा सकते थे। तो अब जो है बाद में उसने लिखा कि आखिर हमें, कार्टन ने बाद में क्या लिखा, अब हमें जो है क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है। सो सन जो था वो जो है साउथ साइड के अंदर जो बीच में मिश्र में जो है सूरज की तेज तपन हथौड़े जैसी मार सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कह रहा है सूरज जो है वो इस तरीके से हमें मार सकता है जैसे कि हथौड़ा हो साउथ साइड में इजिप्ट में। फिर कार्टन ने जो है उस रेजिंस को जो है मतलब जो गोंद जो थी उसको लूज करने की काफ़ी जो है कोशिश की, ठीक है, ढीला करने के लिए उसको सूरज की तपन काम में लेने की कोशिश की कि भाई कई बार हम कहते हैं ना कि हाँ यार अपन जो है सूरज की रोशनी में इसको रख दो शायद पिघल जाएगा। तो उसने भी कोशिश की कि भाई इसको जो है सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो शायद ये पिघल जाए। फॉर सेवरल आवर्स तो ये जो साइड में जो दे रखा है, ये मैप दे रखा है मिश्र का, जहाँ इस एरिया में जहाँ ये मम्मी मिली थी, सो ओवरऑल पूरा मैप दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है ये एक्चुअली इसने दिया है मैप और नॉट स्केल। सो पूरा ये जो डिजर्ट एरिया है, लग्जर एरिया है, इजिप्ट है, ये पूरा आपको जो है दिया है इसने कि मम्मी जो है किस जगह मिली थी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टूम्ब और टॉम्ब ऑफ तुतनखामून, वैली ऑफ द किंग्स, कर्नक लेजर, थेम्बेस, वैली ऑफ द क्वींस। सो ये सारी चीज़ें देखिए इजिप्ट में दे रखा है कौन से एरिया में जो है मिला है, आप देखिए एशिया, फिर न्यू रिवर, इजिप्ट, अफ्रीका। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस एरिया में कि यहाँ पर जो है ये मम्मी मिली थी। सो ओवरऑल मैप भी दिया है इसने कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कहाँ पर मिला है। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट। Nothing burst. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. So, उसके बाद जो है उसने क्या किया कि भाई उसको जो है सूरज की तपन काम लेने की कोशिश की। कई घंटों तक उसने जो है बहुत तेज़ रोशनी के अंदर घंटों तक उसने मम्मी को तपती हुई जो है धूप में रखा, बहुत ज़्यादा जो है मतलब तपती हुई जो ब्लेजिंग सनशाइन, मतलब बहुत ज़्यादा तपती हुई जो तपन जो थी, हीटेड जो थी, 149 डिग्री जो होती है फारेनहाइट, जो है फारेनहाइट होता है जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है उसे कहा जाता है फारेनहाइट, जिसे माप कहते हैं हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। सो 149 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया, मतलब उसे इतनी तेज़ गर्मी के अंदर रखा कि 149 डिग्री फारेनहाइट जो है टेम्परेचर था वहाँ का जो बताया, लेकिन कुछ भी नहीं हिला, नथिंग बस्ट, बस मतलब हिलना तो कुछ भी, मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इतने टेम्परेचर में रखने के बाद। फिर उसने रिपोर्टेड डी और उसने जो है वैज्ञानिक जो उदासीनता के साथ उसने लिखा राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि राजा के जो है
जब उसने साइंटिफिक डेटासमेंट तैयार किया, डाटा जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको जो है तैयार किया इसने। ब्लेजिंग का मतलब यहाँ चमकने से होता है, ध्यान रखना, बस मतलब थोड़ा सा सर रखना, मतलब बिल्कुल भी जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। साइंटिफिक डिटेचमेंट का मतलब होता है वैज्ञानिक उदासीनता, मतलब इन्होंने जब इस चीज़ को ट्राई कर लिया, डिटेचमेंट मतलब उदासीनता, जब इसने ट्राई कर लिया सब कुछ करने के बाद, यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड मतलब सॉलिड जो मटेरियल जो था जिसको उन्होंने तोड़ कर, मतलब सीजल्ड अवे, जैसे हम कहते हैं ना सीजल्ड करते हैं या हथौड़ी से मार कर निकाला जाता है उसे कहते हैं, सो इसने जो है उसको हटाने की जो है कोशिश की, ठीक है। इसने अब लिख दिया क्लियरली कि राजा के जो अवशेष है, रिमेन्स मतलब जो बाकी बचा कुचा है, इसको अब पूरी तरीके से उठाने के लिए उसके जो है बॉडी को धड़ के नीचे के जो ठोस जो चीज़ है वो छेनी की मदद से जो है काटना पड़ेगा। सीजर मतलब छेनी जो होती है उससे काट कर लिम्ब और उसका धड़, ट्रंक मतलब धड़ जो होता है उसको जो है जितना पॉसिबल है कि भाई किंग का जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उन सभी को बचाने के लिए राजा के अवशेषों को उठाना जाकि पॉसिबल हो जाए। मतलब जो कॉफिन जो उसकी बॉडी पड़ी है उसके नीचे कई सारी चीज़ें जो है चिपकी हुई पड़ी है, गोल्ड की सारी चीज़ें, तो उन्हें निकालने के लिए उसको बॉडी को जो है धड़ से अलग करना पड़ेगा, चाहे उसकी जो है लिम्स है चाहे ट्रंक है। ट्रंक मतलब धड़ जो होता है, ठीक है, लिम्स का मतलब होता है ऊपर की जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रंक होता है धड़, धड़ जिसे कहते हैं, तो इसको जो है किंग्स का जितने भी रिमेनिंग चीज़ें हैं उसे निकाली जा सके। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes, the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. Once they had finished, they assembled the remains on a layer of sand in a wooden box with paddling. That concealed the damage, the bed where Tut now rest. So, इन सभी चीज़ों के लिए जो कहा गया, अपनी सफाई देने के लिए अपने डिफेंस में उसने, कार्टर ने क्या कहा कि उसके पास जो है कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, उसे ऐसा करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो मम्मी को काट कर अलग नहीं करता, तो चोर जो थे, जो गार्ड जो थे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना सारा सोना देख के तो सभी की नीयत खराब हो जाती है। तो ये कह रहा है चोर रक्षकों को झांसा देकर उस मम्मी को सोना निकालने के लिए क्या कर देते, फाड़ देते पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है गार्ड्स कब तक हिफाजत कर सकते हैं, तो चोर जो है वहाँ आके गार्ड की जो है झांसा देकर या कुछ भी करके जो है सोना निकालने के लिए क्या करते, गोल्ड को निकालने के लिए उसे फाड़ देते, रिपीट अपार्ट ना पूरा का पूरा उसे फाड़ देते मम्मी को। और मम्मी जो थी टुट के ज़माने में जो कहा गया है शाही लोग बहुत ज़्यादा रिचेस थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, ठीक है, जब टुट का ज़माना जो था तो रॉयल लोग जो थे उनके पास काफ़ी अमीर थे, और वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा उम्मीद करते थे कि वो जो है अपनी जितनी भी दौलत है, जितनी भी अमीरी है, वो उम्मीद करते थे कि मरने के बाद अपने साथ ले जा सकेंगे। जैसे अक्सर हम कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये मानते थे कि जो भी हमारी दौलत है, जो भी हमारी रिचनेस है, वेल्दी है, वो मरने के बाद भी हम साथ में ले जा सकते हैं। सो ये जो है सारी ले जा सकेंगे। उसके बाद मरने से परे की जर्नी के लिए राजा टुट को जो है, मतलब इन्होंने जो है मरने के बाद भी देखिए किंग टुट जो है वो लेविश था, मतलब बहुत शानदार जो बहुमूल्य कैसे हैं ग्लिटरिंग गोल्ड जो था, चमकदार जितनी भी चीज़ें जो थी वो, उसके अलावा बहुमूल्य जो हार वगैरह थे, प्रीसियस कॉलर्स मतलब हारों, उसके बाद इनलैंड नेकलेसेस, जितने भी कंगन वगैरह थे, अंगूठियां वगैरह थी, ब्रेसलेट वगैरह थी, ये सारी चीज़ें, ताबीज़ एमुलेट्स मतलब ताबीज़ वगैरह जो थी, सेमुलियन अप्रेंट जो खास अवसर पर पहने जाने वाली जो ड्रेसेस वगैरह थी वो, सैंडल्स वगैरह जो थी, अंगुली और अंगूठों के खोलों, सीट्स मतलब जो
आपने देखा होगा फिंगर्स और टोज में जो पहने जाने वाली खोल जो होती है, बड़ी बड़ी सी गोल्ड के जो बने हुए होते हैं। अगर आपने कोई मम्मीज की पिक्चर वगैरह देखी हो तो डेफिनेटली देखा होगा आपने हाथ में, और जो है बड़ी बड़ी अंगूलियां और ये ब्रेसलेट गोल्ड के जो बनी बनी जो बड़ी बड़ी जो होते हैं पहने हुए, देखा होगा आपने। पूरा जो था मिस्र सबसे ज्यादा गोल्ड के लिए ही फेमस रहा है। शानदार से शानदार जो है डिजाइन वगैरह है वो मिस्र में देखने को मिलती है। सो ये सारी चीजें चाहे फिंगर्स और टोज में पहनने के लिए हो, और इसके अलावा कॉफिन और मास्क के साथ भी, ये सारी चीजें जो थी वो सारे अब जो है जो कहा गया है होली समझे जाने वाले ताबूत जिसे कहा गया है आइकॉनिक इनर कॉफिन जो है जिसे प्योर गोल्ड में जो है बनाया गया था। आइकॉनिक आइकॉनिक जो कहा गया है वो कहा गया है पवित्र जिसे कहा गया समझे जाने वाले ताबूत और मुखौटे से जो है लाद दिया गया, वो भी प्योर गोल्ड के साथ। अब ये सारे के सारे जो प्योर गोल्ड के थे तो टूट को जो है पूरी पूरी उसकी जो एडोर्नमेंट जो थे, गहने वगैरह जो थे, आभूषण वगैरह जो थे, उससे अलग करने के लिए कार्टर के ने जो है क्या किया, उसके जितने भी वर्कर जो थे कार्टर्स के, उसने क्या किया मम्मी के हेड को बिल्कुल जो क्या कर दिया, अलग कर दिया, और लमसम हर जोड़ को अलग कर दिया। जो हमारी जितने भी मेजर जॉइंट होते हैं हमारे, जिससे हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है, जॉइन होती है, वो सारे के सारे जॉइंट जो है उन्होंने तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। इसके बाद जब उन्होंने एक काम पूरा हो गया तो उन्होंने अपने नुकसान को छुपाने के लिए क्या कर दिया गया, उन्हें वापस जो है एक मुलायम जो है पदार्थ लगाकर, अब जो जितना भी रिमेनिंग जो था मतलब पूरी बॉडी, तो उन्होंने सर धड़ जॉइंट सारी पूरी बॉडी मम्मी की अलग कर दी अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को जो है नुकसान छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है एक वुडन बॉक्स के अंदर जो है उन्होंने क्या कर लिया, जितना लकड़ी का जो बॉक्स था उसके अंदर रेत की परत की गद्दियां लगाकर और उस बॉडी को जो है क्या कर दिया, डैमेज को छुपाने के लिए उस पर छुपा दिया। और अब जो है राजा टूट उसी पर ही लेटा हुआ है। क्यों है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं या कुछ भी जोड़ते हैं, कहा गया है पेडलिंग जो होता है एक्चुअली सॉफ्ट जो चीज़ होता है कहा गया है, ठीक है। सो उसको जो है जोड़ने के लिए, पेडिंग मतलब जो अगर आपने देखा होगा किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए जो काम आता है, स्पेशली मुलायम तरीके का एक जो चीज़ होती है जो अक्सर मटेरियल को, सॉफ्ट मटेरियल को जोड़ने के लिए, शेप देने के लिए काम में लिया जाता है। कंसील्ड का मतलब यहाँ पर छिपाने होता है, ठीक है। सो आज भी जो है वो जो सेंट जो थी वो वुडन बॉक्स के अंदर आज भी इसी तरीके से रेस्ट में छिपा हुआ है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सबसेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवेल्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट्स बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसके बाद जो है कई दशक में जो कहा गया, बीच के दशक में जो कहा गया है, डिकेड्स मतलब बीच की जो दशक जो थे, जो आर्कियोलॉजी जो थी, पुरातत्व विज्ञान जो है बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है इन सदियों में, मतलब इतने सालों के अंदर जो आर्कियोलॉजी भी जो है टोटली चेंज हो गई। तो अब वो जो है क्या कर रही है कि वो ट्रेजर पर कम ध्यान दे रही है, बल्कि वो जो है मिस्ट्रीज ऑफ डेथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो खजाने के जो है कहा गया है पर कम, और जो लाइफ और डेथ से रिलेटेड जितने भी रहस्य हैं अब वो उस पर ज़्यादा जो है ध्यान देती है। आपने देखा होगा पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो हमेशा खोज इसीलिए करते थे ताकि उन्हें पुराना खजाना हाथ लग जाए, लेकिन अब कहा गया है कि भाई जितना भी खजाना वगैरह है इन सभी चीज़ों से ध्यान हटकर अब उनका जो है सारा ध्यान इस चीज़ पे आ गया है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनकी लाइफ और डेथ के बारे में जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए, जो मिस्ट्री वगैरह है उसको ध्यान रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसको जो है कहा गया है पूरा का पूरा कि ये जो चिकित्सा जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सारी जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह है ये दिन बर दिन क्या हो रहा है, शामिल करते हुए इन्हें जो है काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करता है। टूल्स जितने भी है सोफिस्टिकेटेड मतलब टूल्स जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट जो कहा गया है कि अलग अलग जो डेलिकेट जो होते हैं, परिष्कृत जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, केक का मतलब यह एक मुलायम चीज़ से है जो सूखने पर जो है सख्त हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और ये सारी चीज़ें जो है, अब इसने कहा है कि भाई जो सोफिस्टिकेटेड टूल जो परिष्कृत टूल्स जिसे कहा गया है, सो मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसने कहा है ये उसे यूज़ करती है। 1968 में जो है कार्टर की खोज से 40 ईयर्स बाद एक जो है प्रोफेसर एनाटोमी जो थे, एनाटोमी के जो प्रोफेसर थे, एनाटोमी मतलब शरीर विज्ञानी जो है, शरीर का विज्ञान जिसे कहा जाता है, एनाटोमी के जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक्सरे किया मम्मी का, चौंकाने वाले जो फैक्ट जो थे वो उन्होंने बाहर लेके आए, रिवील्ड एट स्टार्लिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइटेड जो फैक्ट जो थे वो बाहर लेके आए। जमे हुए राल के नीचे जो बीनी द रेजिन, रेजिन मतलब जो राल रोन गोंद जिसे कहा गया है, उसके नीचे जो है इसने कहा है सामने वाली जो है पसलियाँ जो है कहा गया है, और ब्रेस्ट बोन और जागे की रिब्स वगैरह जो थी वो मिस थी। कहा गया है ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मतलब होता है जो कहा गया एक लॉन्ग फ्लैट बोन होता है चेस्ट के आगे वाली, जो 7 टॉप पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड, जिसे हम उरोस्थी भी कहते हैं हिंदी में। सो ब्रेस्ट बोन और आगे वाली रिब्स जो थी, पसलियाँ जिसे कहते हैं, वो हैरानजनक थी, बहुत ज़्यादा स्टार्लिंग फैक्ट मतलब हैरान जो है करने वाली थी कि उसकी ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट की जो रिब्स थी वो थी ही नहीं उसकी बॉडी में। टुडे डायग्नोसिस्ट इमेजिन कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? And could it answer of two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? सो जो हिस्ट्री जो थी, जो कहा गया है कि आज की जो है डायग्नोसिस्ट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, सो आज के हिसाब से देखा जाए जो कंप्यूटेड ट्रोमोलॉजी ट्रोमोग्राफी जो होता है, एक्चुअली ये कहा गया है कि एक एक्सरा होता है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके जो है जितनी भी मतलब जो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी अंदर की जो फोटोग्राफी होती है वो की जाती है, उसे कहा जाता है ट्रोमोग्राफी। अंदर का जितना भी बॉडी का पार्ट होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो एक्सरा या अल्ट्रासाउंड करके लिया जाता है, उसे टोमोग्राफी किया जाता है। डायग्नोसिस्ट करना मतलब उसका जो है रोग का जो है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है उसका सॉल्यूशन निकालना, इन द सेंस, ठीक है, मतलब रोग निदान करना उससे रिलेटेड, कंप्यूट करना मतलब काउंटिंग वगैरह करना, ठीक है। 3-dimensional का जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि अगर हम कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे स्पेशली एक्सरे वगैरह है या अल्ट्रासाउंड वगैरह है, उससे रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो वो चीज़ जो है डेफिनेटली पूरा मेडिकल अगर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता है। सो आज की अगर इमेजिनेशन की जाए, आजकल की जो टोमोग्राफी है वो एक्सरे वगैरह जो है, इसने ये कहा है कि भाई जो टोमोग्राफी है मतलब एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, जिसके जो है बॉडी के अंदर का जितना भी पार्ट होता है उससे रिलेटेड जो है फोटो लेना, इन सिंपल वे, और सीटी जो है सीटी स्कैन के थ्रू जो है उसको जो है जितनी भी जो है क्रॉस सेक्शन किया जाता है, मतलब बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जितने भी पिक्स वगैरह लिए हैं, जिसको जो है सैकड़ों बार कई बार जो है अलग अलग कटिंग करके क्रॉस सेक्शन मतलब अलग अलग तरीके के जो है फोटो लिए गए टुकड़ों की तरह, स्लाइस मतलब टुकड़ों की तरह, ब्रेड की तरह, फिर उन्हें जो है 3-dimensional जो है वर्चुअल बॉडी के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि भाई वर्चुअल मतलब वास्तविक रियल जो होती है वो डायमेंशन लिया, मतलब 3-dimensional जिसे कहा जाता है, फोटो वगैरह जो है लिया गया। इसके बाद जो है सीटी स्कैन ने जो है टूट के जो है एक्सरे लिया, तो वाकई में उस एक्सरे में जो है क्या आया? सो सबसे बड़ी जो है आंसर ये जो थे, सबसे बड़े दो बड़े जो क्वेश्चन है वो अभी भी दिमाग के अंदर जो है कंटिन्यू बने हुए हैं, लिंगरिंग मतलब अभी भी जो है वो क्वेश्चन बने हुए हैं कि आखिर वो कैसे मरा,
और जब वो मरा तो उसकी डेथ के टाइम उसकी उम्र क्या थी और वो कब मरा। सो ये जो बड़े सवाल जो थे कि उसकी डेथ के बारे में कि वो कब मरा, कैसे मरा और किस टाइम से जो है मरा, सो ये सारी चीज़ें जो है इसको रिवेल करती है सीटी स्कैन वगैरह। किंग टूट्स डेमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। सो किंग टूट जो था, राजा टूट की जो है डेथ जो थी, डेमाइस मतलब बहुत बड़ा जो बड़ी घटना जो थी, कहा गया है बिग इवेंट जो था मरना, ठीक है। सो टिक जो टूट जो था उसका मरना जो है बहुत बड़ा इवेंट था। इवन सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो रॉयल स्टैंडर्ड था, भले शाही जो है जवाबों के हिसाब से नहीं, बल्कि वो जो है एक सबसे ज़्यादा अपना लास्ट जो है डायनेस्टी था, मतलब अपनी फैमिली का जो है सबसे लास्ट उत्तराधिकारी था। और उसके फ्यूनरल में मतलब जब मर जाते हैं अंतिम संस्कार में जो है एक वंश के लिए जो है सबसे बड़ी जो है मौत की घंटी थी, जिसे कहा रेटल ऑफ डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है जो आपने देखा होगा उत्तराधिकारी जो बनते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। रेटल का मतलब होता है मौत की घंटी, जिसे कहा गया है, ठीक है। तो अपनी फैमिली लाइन का वो जो है सबसे जो है लास्ट और रहा है अपनी डायनेस्टी के हिसाब से, जो आपने देखा होगा ओवरऑल सभी की जैसे हम प्रमोट होते रहते हैं एक दूसरे से कि भाई डे बाय डे किस हिसाब से होता है वो ही। सो ये जो है अलग अलग जो है कहा गया है कि भाई स्लाइस के टुकड़ों की तरह इसे जोड़ दिया गया, एक्सरे की तस्वीरें ले ली गई और तीनों आयाम में से जो है ले ली गई, और उसके बाद ब्रेड की स्लाइसिस की तरह उसे जोड़ दिया गया। एक्सरे जो है क्या किया गया, पूरा का पूरा उसे जोड़ दिया गया वापस से। सबसे बड़े दो क्वेश्चन जो है आ गए कि भाई आखिर क्या किस हिसाब से होना है। और कुक्ड की जो टूट की जो इवेंट जो था मरना, वो सबसे बड़ा था रॉयल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और वो अपनी फैमिली लाइन का जो है सबसे लास्ट पर्सन जो था उत्तराधिकारी था। और जब उसकी जो है मौत की घंटी, जिसे कहा गया है डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, तो अपनी उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग वो लास्ट पर्सन था। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो मरने के बाद जो है मिली थी या कुछ भी हुआ था उसके बाद जो है कि जितने भी घटना हुई है वो बिल्कुल अनक्लियर है, मतलब जितने भी उसके मौत के बाद जो कुछ भी हुआ है कि उसकी डेथ किस तरीके से हुई, वो क्यों मरा, किस तरीके से उसे मारा गया है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए नहीं कि उसको भाई मरने के बाद इतनी सारी चीज़ें मिली तो क्यों मिली, वो जो है मेन मकसद नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट का मेन मकसद था उनका डाउट क्या कि वो किस तरीके से डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ या फिर जो है वो नेचुरल डेथ से मरा, और जब मरा तो उसकी डेथ जो है किस तरीके से हुई, किस उम्र में हुई। सो ये सारी चीज़ें जो है बता रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं है। एमेंटो थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्ड एज। हिज सन एमेंटोफ फोर सक्सीडेड हिम इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। सो एमेंटोफ थर्ड जो था, एमेंटोफ थर्ड या तो उसका फादर था या फिर दादा थे, एक्चुअली ये पता नहीं है कि टूट का जो है एमेंटोफ थर्ड फादर थे या ग्रैंड फादर थे, और लेकिन ये जो है एक पावरफुल जो है फेरो थे और जिन्होंने जो है ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स तक जो है राज किया था, मतलब जो है जिन्होंने 18th century की मतलब 18वीं पीढ़ी की जो है सबसे सर्वीम काल, जिसे कहा गया है एनुष्टी डायनेस्टी जो कहा गया है पीढ़ी, जिसे कहा गया है 18वीं पीढ़ी जो थी वो गोल्डन एज कहा गया है 18 डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब पीढ़ी के जो थे, तो 18 डायनेस्टी की जो है गोल्डन एज माना गया है। उसका बेटा जो है एमेंटोफोर, जिन्होंने जो है अपने जब उसने उसके बाद राजगद्दी पर बैठा तो उसको बढ़ावा दिया। राजगद्दी पर जब वो बैठ गया तो उसने क्या किया, जितने भी जो स्ट्रेंजेस्ट पीरियड थे हिस्ट्री के, मतलब प्राचीन मिश्र के हिस्ट्री में एक जो है अजीब जो युग की जो है शुरुआत हुई, एंशियंट इजिप्ट द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आतेन द सन डिस चेंज्ड His name to Akhenaten or serve to the Aten and moved to the religion capital of the old city or the Thames
of the new city of Akhenaten, now the Amarna, and the further shocked the country by taking Amun and the Mazer gold, smashing his amazing and closing his temples. It must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of the University of Chicago and Research Center in Luxor. The site of ancient Thames, the family that had ruled for centuries, was coming to an end. And then Akhenaten went a little wacky. So, कहा गया है कि भाई जो एंशिएंट जो पुराना इजिप्ट जो था उसने जिस तरीके से राज किया था, जब राज गद्दी पर वो बैठा तो एक अजीब सा युग उनके सामने आया, क्योंकि जो नया जो फेरो बना उसने अपनी जो है वर्शिप को करने के लिए, मतलब जिस तरीके से प्रेयर किया जाता है, उस नए राजा ने क्या किया, आतिन जो है उसने सूर्य की जो है पूजा करने को बढ़ावा दिया. आतिन मतलब सूरज, जो सन डिस मतलब जो कहा गया है सूरज का चक्र, ठीक है. तो सूरज चक्र जो आतिन जो है उसने प्रमोट किया कि भाई हाँ हमें इसी की ही पूजा करनी है, और उसने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया, अखिनातन, ठीक है. तो उसने अपना नाम बदल कर अखिनातन रख लिया, जिसका मतलब होता है आतिन का सेवक. और पुराना जो शहर जो था थेम्स, उसे हटाकर क्या कर दिया उसने, अपनी रिलीजन कैपिटल सिटी, जो ओल्ड सिटी थेम्स थी, उसकी जगह नई सिटी क्या नाम के क्या दे दिया, अखिनातन. तो उसने जो है अखिनातन को जो है धार्मिक जो है राजधानी बना दिया. मतलब पहले थेम्स थी, उसके बाद उसने क्या कर दिया, अखिनातन को बना दिया, और उसके बाद जिसे आजकल अमरना नाम से जाना जाता है, पहले वो अखिनातन था, अब उसने उसको बदल कर क्या कर दिया, अमरना, जो आज प्रेजेंट में हम उसे अमरना के नाम से जानते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है उसने एक जो मेन देवता जो होते हैं आमून पर जो है अटैक कर दिया, और उसकी मूर्तियों को जो है ख़त्म कर दिया जो भी था उससे रिलेटेड, और उसने सारे के सारी जो है स्मैशिंग इमेज, मतलब पूरी की पूरी जो पिक्चर वगैरह थी या टेम्पल्स वगैरह थे उससे रिलेटेड पुराने वाले, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए, मूर्तियों को तोड़ दिया. और ये सारी चीज़ें जो कहा गया है बहुत ही बुरा वक्त जो है उसके लिए लेकर आए, जब उसने उसके मंदिरों को बंद करके पूरे देश को जो है बहुत डरावनी सिचुएशन में डाल दिया. और ये काफ़ी जो है ऐसा लगता है बहुत डरावना वक्त रहा होगा, जैसे जो है जो पुरानी जितनी भी जो थेम्स की जगह लग्जर में स्थित जो है शिकागो जो है वहाँ पर जो शोध केंद्र है जिसे कहा गया, जिसके डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये शायद बहुत ही पूरा वक्त जो है रहा होगा, क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ, जब उन पुराने जो लोग थे या पुराने जो भी पूजा वगैरह करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको सब कुछ बदल दिया, कैपिटल सिटी भी बदल दिया, रिलीजन बदल दिया, लोगों का खुद का नाम भी बदल दिया. तो शायद रॉय जॉनसन की वजह से उन्होंने कहा, क्योंकि वो एक शिकागो रिसर्च सेंटर के जो है डायरेक्टर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, तो उन्होंने कहा शायद वो बहुत ही वक्त बुरा रहा होगा, ऐसा कहा है. ये फैमिली का जो है शायद ख़त्म हो रही थी, जिसने शताब्दियों तक शासन किया, और फिर अखिनातन जो है क्या हो गया था, ऐसा लगता है वो संकी हो गया था, वेकी मतलब संकी होना. तो शायद हो सकता है जब फैमिली ख़त्म हो रही हो, पूरी जिस फैमिली ने जो है कई सेंचुरी तक राज किया और अब वो ख़त्म होने वाला हो सकता है कि वो इस वजह से पागल हो गया हो या फिर संकी हो गया हो. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samenskher appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw restoration of the old ways. He regained for about 9 years and then died unexpectedly. So उसके बाद जब अखिनातन की डेथ हो गई, जो एक काफ़ी मिस्टीरियस रूलर रहा है, तो उसने क्या किया, जब अखिनातन की डेथ हो गई उसके बाद एक रहस्यमय शासक जिसका नाम समेंसकेर था, थोड़े वक्त के लिए जो है दिखाई दिया, अपीयर्ड ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए जो है दिखाई दिया, और बड़ा मुश्किल उसने जो है थोड़े से ही चिन्ह छोड़कर चला गया. मतलब उसकी जो है ज़्यादा नहीं पता है कि वो कितने टाइम तक रहा, एक थोड़ी देर के लिए जो है एक किंग बना था थोड़ी देर के लिए, और फिर वो चला गया. उसके बाद
फिर बहुत कम उम्र में तुतुन खामुन जो था, तुतुन खातिन जो है, जिसने पद को संभाला, मतलब सिंहासन पर जो है संभाला, थ्रोन मतलब सिंहासन जो होता है, इसने कहा है उसको जो है संभाला। उसके बाद किंग टूट जो आज वाइडली सबसे ज़्यादा जो है आजकल दूर दूर तक जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो सबसे कम एज वाला जो था, ठीक है, जो है बना था। तो इसने क्या किया, जो बॉय किंग जो था, इसने वापस से जो है अब नाम चेंज कर दिया, अपना नाम बदल कर तुतुन खामुन रख लिया, जिसका मतलब होता है आमून की लिविंग इमेज। इसके बाद इसने सारे के सारे काम स्पेशली जो है ध्यान किया कि अब पुराने तरीके से होना चाहिए, रिस्टोरेशन, मतलब जो भी पुराने तरीके से, मतलब पहले जिसकी पूजा की जाती थी उसी को ही वापस इसने कर दिया, क्योंकि जो बीच में जो आया था उसने क्या कर दिया था, एमन टॉप ने पूरी सब चीज़ें चेंज कर दी थी, कैपिटल सिटी भी बदल दिया था, देवता भी बदल दिया था। तो इसने क्या किया, वापस से आमुनरा को ही जो है वापस से कर दिया, जो भी पुराने तरीके से किया जाता था उसी हिसाब से, और लमसम जो है उसने 9 साल तक जो है राज किया। फिर उसकी जो है अचानक ही, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उम्मीद ही नहीं थी, और अचानक ही क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्युलेशन अबाउट हिज फेट, टूट इट्स वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट, हाउ मेनी नो वन नोज। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इवेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। इट्स मैन्युफैक्चरर किंग टूट्स इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन दैट एज इन लाइफ मूविंग रिगार्ड लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। सो इसी के बाद जब इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम वगैरह ले लिया, बहुत ज़्यादा जब फेम वगैरह हो गया, तो उस फेमस और उसकी नियति में सब्जेक्ट के जो है अनुमानों का अगर छोड़ दिया जाए, स्पेकुलेशन मतलब अनुमान लगाना, जो उसका अगर फेम या फेट के बारे में अगर हम अनुमान लगाना छोड़ दे, तो टुट को कहा गया है ये सबसे जो है, टुट की मम्मी जो थी वो मिश्र की बहुत सारी मम्मियों में से क्या है, एक है। तो इजिप्ट में जितने भी जो मिश्र में, इजिप्ट में जो, अगर इन सभी को छोड़ दिया जाए तो उन्हीं मम्मियों में से ये एक है, कितनी ये तो पता नहीं है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी मम्मियां हैं अगर इसके बारे में हम सोचें, कोई भी नहीं जानता है आखिर कितना। लेकिन जो इजिप्टियन के मम्मी प्रोजेक्ट जो था, जिसने 2003 में जो है कहा गया है इन्वेंट्री किया था, मतलब उनवार जो कहा जाता है उत्तराद में जो है जो है लिस्ट बनाना जो शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट जो है 600 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा जो अभी तक जो है कर चुके हैं, मतलब 600 मम्मियाँ मिल चुकी है और भी अभी तक काउंटिंग चल रही है। सो नेक्स्ट फेज में अभी भी मतलब गिन रहा है, तो जो है मतलब कैलकुलेशन अभी भी जारी है। तो नेक्स्ट फेज में जो है, मतलब अगले चरण में जो है, उन पर जो है सीटी स्कैनिंग जो है मम्मियों का स्कैन होगा, जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके सीटी स्कैन के जो ऑथर हैं, जिसे कहा गया निर्माता हैं, जिसे कहा गया है, ठीक है, सीमेन जो है, ठीक है, सीमेन जो है उन्होंने दान में की गई थी। सीमेन ने जो है क्या किया था कि भाई नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी को जो है सीटी मशीन जो है डोनेट की थी, ताकि वो मम्मी की जो है क्या कर सके, सीटी स्कैन वगैरह कर सके। राजा टुट के स्कैन की जाने वाली मम्मियों में से सबसे पहला है, क्योंकि मम्मियों में से अगर किसी का सीटी स्कैन किया गया है मरने के बाद, वो सबसे पहले किसी का किया है, टुट का ही किया गया है। तो मौत के बाद भी अब भी वो अपने देश के लोगों से उसी तरीके से शान से आगे बढ़ रहा है जैसे कि जिंदा हो, क्योंकि आपने देखा होगा ये कह रहा, मरने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा जो लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, मतलब जो जितने भी उसके आज तक जो बंदे रहे हैं, जितने भी पर्सन रहे हैं, किंग बने हैं या राजा बने हैं, जिन्होंने राज किया है, रूल किया है, वो शायद इतने फेमस नहीं रहे होंगे। ये तो जो है जिंदा था तब भी फेमस था, और मरने के बाद भी उन सभी में से सबसे ज्यादा फेमस है। ए सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। टूट्स हैज स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स।
take or on every detail in the resulting image, with Tut's entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology and forensic and anatomy begin to probe the secrets that the wings, goddesses of a gilded burial shrine protect for so long. So CT machine ने जब मम्मी का जो है CT scan किया, ठीक है, head to toe तक, जिसमें जो है 1700 digital X-ray image लगाई, cross section, मतलब हर way के तौर पर जो है CT scan किया गया उनका, हर तरीके से, हर point of view से, कि किस हिसाब से, मतलब उस मम्मी का जो है हम अलग अलग पार्ट से जो है CT scan किया गया, उसकी जो है मतलब क्लियरली अंदर से जो दिखाने वाला जो है, जिसे कहा गया हेड और स्कैनिंग, जो बहुत ज़्यादा मिलीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा आंतरिक जिसे कहा गया, दर्शाने वाले जिसे कहा गया, जटिल संरचना जिसे कहा जाता है, समझने के लिए 0.62 मिलीमीटर के भागों का परीक्षण किया गया, ठीक है, इतने मतलब छोटे से छोटे जो है पार्ट को जो है मतलब इतने टुकड़ों के अंदर इतना क्लियर और जूम करके जो है मतलब इसका स्कैनिंग किया गया, जिसके लिए जो है अजीब अजीब से जो है इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, मतलब अजीब जो है विचित्र आंकड़े जो है लिए गए, टूट के पूरे जो है कहा गया है, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल जो होता है, एरी डिटेल मतलब लेरी जो कहा गया है, रहस्यमय और विचित्र विवरण जिसे कहा जाता है, एरी डिटेल मतलब जो बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो, ठीक है। सो ये जो है सारी की सारी चीज़ें कहा गया है, पूरी जो है इसकी रिजल्ट इमेज लगाई, उसके बाद जो है टूट की पूरी बॉडी सिमिलरली जो है रिकॉर्डेड की गई, जो स्पेशलिस्ट थे रेडियोग्राफी के, फॉरेंसिक के, एनाटॉमी के, इन सभी ने अपने अपने जो है सीक्रेट जो है पूरी बॉडी को अलग अलग जो है स्कैन करने के बाद, इन सभी जो भी जो थे, चाहे वो स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी के हो, ठीक है, रेडियोलॉजी मतलब विकिरण विज्ञान जिसे कहा जाता है, फॉरेंसिक है, एनाटॉमी मतलब शरीर की रचना का ज्ञान करने वाले जितने भी स्पेशलिस्ट थे, उनके दल ने जो है उन रेशियो की छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद सोने से सजे जो है जो पवित्र जो कहा गया है, ठीक है, पूरा का पूरा मकबरे की पंखों वाली देवी ने अपने लंबे से जो है उसे सेफ रख रखा है, ऐसे कहा गया है। विंग्ड गॉडेसेस मतलब पंखों वाली जो गॉडेस जो थी, देवी जो थी, शायद उसने जो है इस सोने से भरे हुए जो है इस पवित्र जगह को, इस पवित्र कफन को जिसे कहा गया है, पर्सन को जो है पवित्र मकबरे की पंखों वाली देवी ने शायद इसे जो है सबसे ज़्यादा क्या कर रखा है, सेफ कर रखा है, श्राइन मतलब पवित्र जिसे कहा गया है, क्योंकि जिससे भी कहा गया है बुरा श्राइन मतलब टॉम मकबरा उसे कहा गया है, पेल बियर्स मतलब कहा गया है ताबूत उठाने वाले, ओके। सो द नाइट ऑफ स्केन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स लाइक पेल बियर्स, दे क्लाइम्ब रैंप एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quiet because of the sand in a cooler fan. Curse of the pharaoh, jogged or guard nervously. So, night में जब उसका जो है क्या किया गया, जब scan किए जाने वाली रात, मतलब जिस रात को जब scan किया गया, जितने भी मजदूर जो थे, वर्कमैन जो थे मजदूर, उन्होंने टूट को जो है उसकी टॉम से निकाल कर उसके बक्से जो है सहित जो है मकबरे से ले गए, ताबूत उठाने वाले लाइक पॉल बियरर्स मतलब ताबूत उठाने वाले की तरह जो है वे एक जो है क्या किया, रैंप मतलब ढाल जो बनी हुई होती है, ढाल से बनी हुई, उस पर जो है सीढ़ियों पर वो चढ़े, ठीक है, उससे होते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर जो है क्या घुमावदार जो सैंड जो थी, मतलब पूरी तरीके से जो रेत वगैरह घूम रही थी, जब उसको ताबूत से निकाल कर बाहर लेके आए, मकबरे से निकाल कर डायरेक्ट ही उस वुडन बॉक्स को जो बाहर लेके आए, स्विर्लिंग सैंड मतलब चक्राकार जो घूमती रेत पर आ गए, जहाँ पर रेत घूम रही थी, फिर वो जो है एक क्या कर गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब द्रव चलित जो लिफ्ट होती है उस पर जो है ट्रेलर पर पहुँच गए, और उसमें जो है उन्होंने जो है क्या किया,
जहाँ पर जो है स्कैनर था। 20 मिनट बाद जो है वो दो पर्सन बाहर आए, ठीक है, बाहर आए। पास के एक जो ऑफिस जो था, उस पास का एक ऑफिस था, वहाँ तेजी से दौड़ कर गए, क्योंकि वहाँ पर जो है वाइट जो है प्लास्टिक के दो फैन लेकर वापस आए, क्योंकि ये जो था कूलर के पंखों में धूल की वजह से जो है क्या हो गया, $10 मिलियन की जो है स्कैनर ने जो है काम करना बंद कर दिया था। मतलब जो $10 जो है, मिलियन डॉलर की जो है स्कैनर थी, तो उसके अंदर मिट्टी घुस गई थी, तो उसको जो है मतलब इतनी महंगी जो मशीन जो थी जिसके अंदर जो है क्या हो गया था, मिट्टी घुस गई थी, क्योंकि उससे उसी से ही निकाला गया था, वो फैन जो है बंद हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक रफ जो है गार्ड ने डरते हुए मजाक अंदाज में कहा, फेरो का अभिश्राप, मतलब फेरो का जो कर्ज जो था अभिश्राप था, क्योंकि स्कैनर ने जो है क्या कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क्स वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्निक्स टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरली प्राइज हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। सो कहा गया है कि जो सब्स्टिट्यूट फैन थे, मतलब एक्स्ट्रा जो फैन थे उसके अलावा, वैकल्पिक जिसे कहते हैं, सो वैकल्पिक फैन थे, फाइनली उन्होंने अच्छे से काम कर लिया और प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा चेक कर लिया गया कि कोई डाटा जो है उड़ा तो नहीं है, गुम तो नहीं हुआ है, तो कोई भी जो है जो भी उन्होंने टेक्निक्स वगैरह यूज़ की थी तो उनकी वजह से कोई भी डाटा जो है नहीं उड़ा था। तो फाइनली टूट को जो है वापस वर्कमैन को सौंप दिया गया और वो उसे वापस जो है टॉम के अंदर वापस लेकर चले गए। और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 3 आवर से भी कम टाइम में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से जब उसे मकबरे के लिए सौंप दिया गया, वापस उसे लेके चले गए, तो शायद निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम वक्त में जो है शायद फेरो जो है फिर से जो है अपनी जगह पर अच्छे से आराम से शांति से जो है वापस कर रहा होगा, आराम कर रहा था, जहाँ पर जो है मतलब फ्यूनरल के लिए, मतलब अंत्येष्टि कहा जाता है, जो पुजारियों में इतने वक्त लंबे वक्त से उसे सुलाया था, ठीक है, मतलब जब से उसे सुलाया था तो मुश्किल से सिर्फ 3 घंटे ही वो बाहर रहा, बाकी वो इतने सदियों से उसी के अंदर ही सो रहा था। बेक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप अ एस्ट्रोलॉजिस्ट इमेज ऑफ पुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल इन इट एवरी डायरेक्शन, नेक वर्टिब्रा अपीयर एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास, अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सीटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवाज स्माइल्ड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। सो फाइनली जब उसको वापस भेज दिया गया तो वापस ट्रेलर पर एक टेक्नीशियन जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है क्या कर रहा था, अलग अलग तरीके की जो है टेक्नीशियन ने जो सीटी स्कैन किया था मम्मी का, तो अलग अलग पिक्चर्स की जो है इमेज वगैरह ली थी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जब उन्होंने जो है उन पिक्चर को एक साथ जोड़ा सभी, तो उनका एक ग्रे हेड बनकर जो है बाहर आ गया, मतलब एक भूरा कलर का जिसे कहा गया है, जब उन्होंने क्लियरली उसको जो है सिर बन गया, एक भूरे बालों वाला सिर बन गया, तो टेक्नीशियन ने इसे चारों ओर घुमाया, हर जो है जो टूटी फूटी जो पिक्सल्स वगैरह स्केटिंग, मतलब जो टूटी फूटी जो स्केल जो थी, मतलब जितनी भी पिक्सल्स वगैरह थी अलग अलग, उसको जो है टेक्नीशियन ने चारों ओर घुमाया और हर तरीके से उसे झुकाया और अलग अलग तरीके से उसे डायरेक्शन में कर लिया, तो उसकी जो नेक वगैरह जो थी, रीढ़ की हड्डी और गर्दन वाला भाग इतना क्लियरली दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो एनाटॉमी की क्लास चल रही हो, मतलब शरीर विज्ञान की क्लास में जो है कोई दिखा रहा हो और उसमें क्लियरली जो है उस क्लास में देख रहा है। इसके अलावा जो और भी जो पिक्चर्स वगैरह थी, पिक्स वगैरह जो थी, इमेज वगैरह थी, जिसमें हैंड के सारे सेवरल व्यूज थे, रिब केज भी थी, मतलब पसलियाँ का ढांचा था, उसके अलावा खोपड़ियों का जो है पूरा जो है स्कल का पूरा ढांचा था, खोपड़ी का पूरा जो है क्लियरली अनुपस जो कहा गया है
परिच्छेद दिखाया गया था, ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल, उसके अलावा प्रेशर जो था, लेकिन ये सब दबाव हट गया था। अपनी कुर्सी पर जो है वापस बैठते हुए सीरियसली उन्होंने ऐसा कहा, वो मुस्कुराए, क्लियरली वो राहत फील कर रहे थे कि शायद अब कोई भी जो है गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वो लास्ट नाइट जो है बिल्कुल भी नहीं सो पाए, इवन एक सेकंड के लिए भी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ कर दी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो जो है ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है अब सो सकूँगा, क्योंकि अब जाही हवास ने जो है ऐसा कहा था, कार्टर ने जब उसे तुड़वा लिया था, अलग अलग जॉइंट को करवा लिया था, तो कहा गया था भाई मम्मी अब जो है किसी काम की नहीं रही, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आखिर मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और आखिर उसको सेफली जो है सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिए गए, ठीक है। सो ये म्यूरल्स है किंग टू स्टॉर्म की, जो दिखाता है म्यूरल्स मतलब जो लेखा जोखा जो लिखा हुआ होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये एक पिक्चर बनी हुई थी उसी के ऊपर, कॉफिन के ऊपर, जिस पर लिखा हुआ था म्यूरल्स इन किंग्स टू स्टॉर्म शोइंग किंग टू विद ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। सो इसमें जो है ये कहा गया है म्यूरल इन किंग्स टू टॉम शोइंग किंग टूट्स ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। सो कहा जाता है ये जो अभिलेखा लिखा हुआ म्यूरल्स मतलब जो अभिलेख जो बना हुआ है कॉम की टॉफिन पर, टूट की टॉम पर, तो ये दिखाता है कि किंग जो है, किंग टूट जो है ओरिसिस के साथ है। ओरिसिस कहा जाता है जब मर जाते हैं, मरने के बाद का जो देवता होता है उसे कहा जाता है ओरिसिस। तो ओरिसिस जो है इसकी हिफाजत कर रहा है, ऐसा अभिलेखा में बताया गया है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance to Toot's tomb stood Orion, the consultation and the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, the god of the afterlife, watching over the boy king. सो यहाँ पर जो कहा गया, जैसे ही हम उस ट्रेलर को छोड़ रहे थे तो मेटल की जो सीढ़ियाँ जो थी, धातु की सीढ़ियों से उतर कर जब हम रेतीली ज़मीन पर आ गए, सैंडी ग्राउंड में मतलब रेतीली ज़मीन पर आ गए, हवा जो है वो बिल्कुल थम चुकी थी, और जो ठंडी हवाएं जो थी मतलब मरे हुए लोगों की इस घाटी में जो है सबसे ज़्यादा इतनी ठंडक थी, क्योंकि जो मरी हुई लोगों की घाटी थी सर्दी की हवा उतनी ही ठंड थी जितनी की जो है मौत ठंडी हुआ करती है, अपने आप में जो डेथ जिस तरीके से ठंडी होती है वो जितनी की मौत खुद ठंडी होती है। तूत के मकबरे के जो है जो मेन जो कहा गया एंट्री जो थी, एंट्रेंस जो था टूट टॉम का, जहाँ पर जो है ओरियन जो है बिल्कुल ऊपर था, मतलब ओरियन जो कहा गया तारामंडल होता है जिससे प्राचीन लोग जो है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारा समूह जिसे कहा जाता है, तो ऐसा मानते हैं मिश्र के लोग कि वो जो है एंशिएंट इजिप्टियन का मानना है कि ये सोल ऑफ ओरिसिस है, मतलब ओरिसिस की आत्मा है, मतलब मरने के बाद का जो गॉड होता है वो उस बॉय किंग की हिफाजत कर रहा है, मतलब ओरिसिस का मतलब होता है जो गॉड देवता होते हैं मरने के बाद के जो देवता, ये इस जो है बॉय किंग की हिफाजत कर रहे हैं एज अ ओरियन, मतलब तारामंडल का जो समूह है वो जस्ट उसके मकबरे के ऊपर है जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। सो इसीलिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। सो समरी ऑफ दिस चैप्टर, समरी ऑफ दिस चैप्टर इज द सेंस कि टूट अपने जो है, टूट ने क्या किया है, समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो टूट जो था वो लास्ट हेयर था, मतलब उत्तराधिकारी था शक्तिशाली परिवार का, सबसे लास्ट उत्तराधिकारी था, मौत के वक्त जो है वो यंग एज था, टीनेजर था, और उसके जो टॉम को जो है 1922 में खोजा गया था। लमसम 80 ईयर्स के बाद उसकी डेड बॉडी को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया गया, उसकी टॉम से बाहर निकाला गया। 1922 में कार्टर ने जो है राजा टूट की जो है मम्मी को बाहर निकलवाया, और ये जो है कॉफिन के तल से बहुत सख्ती के साथ चिपक गई थी, तो कार्टर ने जो है उस रेजिन को जो है छेनी से हटवाया, फिर उसने मम्मी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। कार्टन के जो रिमेनिंग जो थे उसे जो उसने क्या किया, रेत जो होती है सैंड्स, उसके ऊपर एक बक्से में जो है रख कर वापस से जोड़ दिया गया।
1968 में जो है एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, उसके बाद उन्होंने टूट की जो है ब्रेस्ट बोन जो होती है सीने की हड्डी और उसके सामने वाली पाया कि उनकी जो है रिब्स गायब थी। दो बड़े सबसे बड़े क्वेश्चन थे, सबसे पहला ये कि टूट की डेथ किस तरीके से हुई और जब वो मरा तो उसकी उम्र कितनी थी। सो टूट की जो है एक जो कहा गया है डायनेस्टी जो थी वंश जो था उसका अंत था, उसके जो भी जो एंशियंट पर्सन थे पूर्व फोर फादर जो थे पूर्वज जो थे वो एमेंट ऑफ थर्ड और फोर्थ जिन्होंने जो है इजिप्टन पर राज किया था, नए राजा ने जो है बहुत सारे इसमें जो है क्या किया चेंजेस कर दिए। फिर 5 जनवरी 2025 को जो है टूट की मम्मी का जो है सीटी स्कैन किया गया। बहुत सारी जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद एनाटॉमी है फोरेंसिक है रेडियोलॉजी है इन सभी ने जो है इनके एक स्पेशलिस्ट ने एक दल ने जो है उनकी लाइफ और डेथ से जुड़े हुए जितनी भी मिस्ट्रीज थी उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। टूट का जो टॉम जो था वो पूरा क्या था गोल्ड से जो है सजाया गया था प्योर गोल्ड से और डे बाय डे काम आने वाली सारी चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था जिसकी ज़रूरत शायद उसे मरने के बाद होगी। सीटी स्कैन करने के बाद मम्मी जो है ये जो है कहा गया है वैसे तो बहुत सारी मम्मियां जो है हुई है लेकिन ये पहली मम्मी है जिसका सीटी स्कैन किया गया है और इसको जो है मकबरे से निकाला गया है। लेस देन 3 आवर्स जो है वो बाहर रही है पहली बार इतने सालों में सदियों बाद जो है 3 सदी रहने के बाद उसको जो निकाला गया है क्योंकि ये जो है 3022 जो है साल पुरानी जो है मम्मी कहा गया है पहली मम्मी है जिसके लाइफ और डेथ के बारे में बताया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि वो फेमस जो है जब जिंदा था तब भी जो है बहुत ज़्यादा अपनी डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा 18th century में जो है डायनेस्टी में फेमस रहा है और उसके बाद जो है मरने के बाद भी जो है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो है फेमस रहा है। तो इसीलिए इसके बारे में बताया है जाई हवास ने कार्टर ने कि इसकी जो है मिस्ट्री के बारे में आखिर किस तरीके से क्या हुआ था मार्च और अप्रैल में जो है शायद मरा होगा क्योंकि इसके साथ जितनी भी चीज़ें मिली है वो ये दिखाती है कि शायद उस वक्त हुआ होगा। और कहा गया जब इसका सीटी स्कैन कर लिया गया इसको वापस जब उसकी टॉम में दफनाया गया रखा गया इसको तो जो है कहा गया कि उसके ऊपर जस्ट कब्र के ऊपर ही जो है एक ओरिनियन था मतलब तारामंडल का जो समूह था। सो कहा गया है कि वो जो है ओरिसिस थे जो मरने के बाद मिस्र के लोग मानते हैं ओरिसिस मतलब मरने के बाद का जो देवता होता है जो मरने के बाद हिफाजत करते हैं। तो कहा गया उस बॉय किंग की हिफाजत जो है कौन कर रहा है ओरिसिस। सो अगर आप और क्लियर देखना चाहते हैं इसको तो आई होप सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मम्मी एंड मम्मी द रिटर्न। सो बोथ पिक्चर्स आर डिपेंड ऑन दिस चैप्टर। आई होप सो यू लाइक इट। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ पिक्चर एंड ऑल सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर्स। ओके सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप सो यू लाइक इट। Watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment, and subscribe my channel, Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.